Yuzvendra Chahal, who is playing for Rajasthan Royals, in a video shared on Twitter, spoke about an incident that he himself said, not many people know about. He spoke about his narrow escape in 2013 when a drunk Mumbai Indians player, who Chahal chose not to name, dangled him from the balcony. मेरा जो स्टोरी आई थिंक कुछ लोगों को पता है पर मैंने कभी बताया नहीं. आज से सबको पता चलेगा। आज से सबको पता लगेगा. कभी ये चीज़ मैंने कभी शेयर नहीं की. 2013 की बात है. जब मैं मुंबई इंडियंस में था तो हमारा बैंगलोर में ही मैच था, तो गेट टुगेदर था उसके बाद काफ़ी. तो एक प्लेयर थे जो काफ़ी ड्रंक थे, मैं नाम नहीं लूँगा. मतलब ही इज़ लाइक आउट ऑफ, तो ही जस्ट कॉल्ड मी कि यूजी इधर आ मेरे. वो काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे थे, तो ही जस्ट होल्ड मी लाइक यू नो, मेरे को बाहर ले गए और बालकनी से लटका दिया. एंड मेरे हाथ उनके ऐसे थे, अगर वो हाथ छूट जाता और आराम ऑन 15th फ्लोर. तो सडनली वहाँ पे जो काफ़ी लोग थे दे केम एंड उन्होंने आगे वो चीज़ें संभाल ली वहाँ पे. और फिर आई वॉज फेंट सा हो गया था मैं. मतलब मुझे पानी पुनी पिलाया गया. मतलब देन आई रियलाइज कि मतलब कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अगर आप कहीं जाते भी हैं. तो आई थिंक ये एक पार्ट था जो मेरे को लगा कि हाँ, जाते जाते मैं वापस आ गया. तो अगर वहाँ थोड़ा सा गलती हो जाती तो मैं गिर जाता. तो बस